मैं क्या करूं, मुझे कोई बताओ। फोन अ फ्रेंड फारा खान, मिस्टर कंप्यूटर, इससे पहले कि अपना माइंड चेंज करें, फोन अ फ्रेंड कंफ्यूज लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं प्रियंका और करीना, प्लीज उन्हें जल्दी से ऑप्शन दिया जाए और फारा खान को फोन लगा दिया जाए इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करें। टाइम रन आउट हो रहा है इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूँ। उठाएगी जब फोन बजेगा तो उठाएगी। बोला है ना। हेलो हेलो फारा। हाँ डार्लिंग, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ केबीसी से। ओह गॉड, आई वाज ड्रेडिंग दिस। ₹50 लाख के लिए खेल रहे हैं और मैं भी हाइपर हो गया हूँ, प्रियंका और करीना, बट उन्होंने अपनी चॉइसेस कम कर ली है। तुम फिल्मों से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, ओके, सॉर्ट ऑफ, और वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगी। 30 seconds यू हैव, 2 options यू हैव, दे विल डू द नीडफुल। ओके ओके, आर यू गुड? आई थिंक सो। एंड देर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 50 lakhs विल गेट। हां इनका टाइम खत्म हो रहा है। कैसी हो फारा? क्वेश्चन ओके, जल्दी से प्रियंका, करीना, फारा, आप तीनों का वक्त शुरू होता है नाउ। Okay, which of these was designed by Cedric Gibbons, an art director at MGM? Was it the Majestic Theatre or the Oscar statuette? It was the Oscar statuette. Are you confident? Yes. 100% Farah. Yeah, it was the Oscar statuette. Okay, lovely, we'll okay, go with you. Okay, okay, bye. Bye, bye. Bye, Farah. Ooh. Instinct, baby. Okay. देखा, बोलने की जरूरत, 50-50 भी तुमने वेस्ट कर दिया है। डी ऑस्कर स्टैचुएट, क्या करूं जल्दी बोलो। मिस्टर कंप्यूटर, डी ऑस्कर स्टैचुएट फॉर प्रियंका, करीना, फारा के कहने पर, फ्रीज इट प्लीज। एंड यस, डी ऑस्कर स्टैचुएट इज द राइट आंसर। 50 लाख रुपए। आई लव यू फारा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी वेरी वेल प्लेड एंड वेरी वेरी डिजर्विंग। अगर तुम ये गलत, मैं बताता रहूंगा क्वेश्चन, ये पकड़ो, टाइम मत वेस्ट करो अपना। 50 लाख रुपए तुम्हारी चारों चैरिटीज के लिए, मुबारक हो और बहुत 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 अच्छा खेले हो तुम। और सीरियसली ये मैं चांस नहीं मार रहा हूँ। they gave you a lot of time. तुमको वो जो दूसरी, बट एनी वे यू प्लेड वेरी वेल। एंड वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू आस्क यू, रिक्वेस्ट यू, आई कम देयर फर्स्ट बिहाइंड यू, गेट अ किस फ्रॉम यू, बिकॉज मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना यार, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से। सो आई गेट अ किस फ्रॉम द टू मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड एंड देन आई ब्रिंग यू इन टॉप एंड वी प्ले ये मेरा दिल एंड वी ऑल थ्री डांस टू इट एंड देन यू कैन गो होम। इज दैट गुड? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लेट्स हियर इट वन मोर टाइम फॉर प्रियंका एंड करीना। कीप सिटिंग हियर सो आई कैन कम एंड गेट अ किस फ्रॉम यू। गिव मी अ किस। थैंक यू एंड बोथ ऑफ यू कम। Can we have the song, please? We have to dance a few songs. Had a good time. Yeah. God bless you for coming here, and I'm very, very happy and so thankful to you, and the whole team at KBC is very, very happy and thankful to you. I would like to thank the team of KBC for thinking about giving so much money away to charity all the time. I think it's a great idea. You also said a nice thing, emotional thing. The last show. Love being next to you. Thank you very much. I love you both very, very much. Thank you very much. Let's have a Priyanka and Karina. I love my check. Yeah. Oh, thank you. Whoa, this was fun. Yeah, mera dil, da da da. I'm going to miss Priyanka and Karina, and I'm going to miss KBC. And what I'm going to miss also is saying to you guys, ek chota sa break lete hain aur aap log jaldi se wapas aa jaiyega kyunki abhi bhi mere dost yahan par aana baki hain. Come back fast kyunki main yahan par besabri se one last time this season aapka intezar kar raha hoon. Take a break. Welcome back one more time to the last episode of this season's KBC. और अब मैं बुलाने वाला हूँ मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही करीब ऐसे दोस्त जो मेरी फैमिली जैसे हैं, जिन्होंने मुझे मुंबई में जब मैं आया तो मेरी देखभाल की, मुझे अपने घर में खाना खिलाया, और उनके डैडी मजाक से, और एक्चुअली सीरियसली भी ये बात ट्रू होगी, कहा कि तुम
एक्टर इसलिए बन जाओगे क्योंकि तुमने हमारे घर में खाना खाया है एंड दैट रियली इज ट्रू. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू कॉल टू वेरी 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 स्पेशल टू पीपल इन माय लाइफ. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ह्यूज सुपरस्टार सलमान खान एंड कैटरीना कैफ. मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों यहां पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरी हौसला अफजाई हो और क्योंकि ये हमारे सीजन का आखिरी एपिसोड है. सो सलमान एंड कैटरीना, आर यू रेडी टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति? चलिए खेलिए यार. ओके, लेट्स डू इट देन एवरीवन, लेट्स हियर इट फॉर देम. ऐसे नहीं भागने देंगे सलमान तेरे को. बहुत मुश्किल से पकड़ कर लेकर आए हैं, अब मेरे सामने बैठे हैं. फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, हाल ही में सुपरहिट फिल्म नमस्ते लंदन के हीरोइन कैटरीना कैफ और उनके साथ हैं उनके दोस्त, मेरे दोस्त और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार सलमान खान. Welcome, Kateena. First of all, thank you very much from the bottom of my heart for being here. मुझे special program में तुम आई हो. और मैं बता दूँ लोगों को, Kateena को gymming, painting और movies का शौक है. और painting का शौक सलमान को भी है. और ये बहुत ही खूबसूरत paintings बनाते हैं. जितने ये बड़े star हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े ये painter हैं. और सलमान के बारे में घर की painting मैंने की है. हाँ, पूरे घर की पेंटिंग भी इन्होंने ही की है. और आजकल जो नेबर्स हैं वो भी बुलाने वाले हैं कि सलमान आ जाओ यार, हमारी भी पेंटिंग कर दो. बट जेन्युइनली ही हैज बीन टू बी रेड पेंट कर देता आजकल मैं. हाँ, पूरे टाउन को रेड पेंट करते हैं और घरों की पेंटिंग करते हैं. एंड द नाइसेस्ट थिंग इज दैट जेन्युइनली ही हैज बीन मेकिंग सम ग्रेट ग्रेट पेंटिंग्स एंड आई एम नोबडी टू से दैट रियली, बट दे आर ब्यूटिफुल पेंटिंग सलमान. एंड थैंक यू, इट शोज अ वेरी सेंसिटिव साइड टू यू. और मैं जेन्युइनली पूछना चाहूंगा, सलमान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं एक्चुअली. मुंबई में मैं जब से आया हूँ तब से मैं सलमान को, इनकी फैमिली को जानता हूँ. और इनसे सबसे पहला ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सलमान, हो सकता है लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, हो सकता है लोग समझते हैं या गलत समझते हैं, बट मुझे मालूम है थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो. एंड क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं तुमको, दे लुक अप टू यू, दे थिंक ऑफ यू एज एन आइकॉन, दे थिंक ऑफ यू समवन हु हैज मेड हिज लाइफ. कोई फिलॉसफी अपनी लाइफ की, कोई बात अपनी लाइफ की बताओ जिससे सबको मालूम पड़े. मसले तो खोल रहे हैं मेरी. दिल के बहुत अच्छे हैं. मैं सोचा ये सीक्रेट मैं अपने कब्र तक लेके जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं. इन्होंने केबीसी पे खोल दिया. नहीं, बट ट्रूली ट्रूली टेल समथिंग दैट यंगस्टर्स शुड फॉलो, बिकॉज़ देयर सम रियली नाइस थिंग्स सलमान टेल्स यू, स्पेशली इन द इवनिंग व्हेन यू गो एंड सिट विद हिम. बहुत सिंपल थ्योरी है कि लोग जब पूछते हैं कि मरने के बाद हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, हु केयर्स, मर गए उसके बाद क्या रिमेम्बरेंस. लेकिन माय थ्योरी ऑन दैट इज के ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ